बेगम, मैं सोच रहा हूँ अपने बाल काले कर लूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत ही बुरा ख्याल है। बुरा ख्याल है क्यों? दुरानी साहब, आपकी उम्र अल्लाह अल्लाह करने की है, बाल काले करने की नहीं। अल्लाह ही अल्लाह किया करो। अच्छा हाँ, ये बताओ कि ये ऐनक उतार के मैं कॉन्टेक्ट लेंस लगवा लूँ तो कैसा है? हैं? ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है, बस जरा दिल पिशावरी कर रहा है। दुरानी साहब, आपका दिल भी ना, दो दफा तो बाईपास हो चुका है, और कितना पिशावरी करेंगे? बेगम तुम नहीं समझोगी इन बातों को। मैं सब समझती हूँ जी। अच्छा खैर छोड़े इन फजूल बातों को, जरा ये तो बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? हम अली को लेने एयरपोर्ट जा रहे हैं, किसी वलीमे पे नहीं जा रहे हैं। पता था मुझे आप यही कहेंगे। 2 साल के बाद मेरा बेटा आ रहा है, अगर मैं जरा सी तैयार हो गई तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? खुद तो बाल काले कर लो, लेंस लगा लो। कौन? आ जाओ। ये क्या हो रहा है? प्रैक्टिस। क्यों बेगम सबर, ये ठीक है ना? हाँ हाँ गुड, हार बिल्कुल ठीक है। अब वो ढोल वाले कहाँ हैं? क्या नजीर की शादी है आज? मेरी किस्मत। बेटा आला तालीम हासिल करके अमेरिका से आ रहा है। अरे यहाँ तो जाली डिग्री वाले असेंबलियों में बैठे हुए, मेरा बेटा तो असली डिग्री लेकर आ रहा है, तो फिर भी मैं खुशी ना मनाऊं? हाँ ये तो है। नजीर जाओ जल्दी से ये हार वगैरह गाड़ी में रखो, और वो ढोल वालों को मिस कॉल दो, जाओ भागो जल्दी। भाग नजीर भाग। बेगम तुम्हें पता है कि अली को ये सब पसंद नहीं है, ये हार और ये ढोल। ये सब टॉक शोज देखने का असर है, बंद करें ये टॉक शोज और मेरी तरह ड्रामे देखा करें, ड्रामे। मैंने ड्रामे देखने को कहा था, लड़कियां देखने को नहीं। भाई टर्किश ड्रामों में है ही क्या, बस खूबसूरत लड़कियां। तो पाकिस्तानी ड्रामे देखा करें ना मेरी तरह। पाकिस्तानी ड्रामों की एक ही थीम होती है, दो अफेयर दो शादियां। बस एक बात है, ये चीज इन है आजकल। ओहो मारे गोली ड्रामों को, चले चले एयरपोर्ट चले, देर हो रही है। ओहो एक तो आप भी स्लो मोशन में चलते हैं, जल्दी करें लेट हो रहे हैं। आ रहा हूं ना, ऐसी कौन सी चीज है? सरप्राइज। अली अली आ गया। अस्सलाम वालेकुम आपा। हमारा पसंद आया तुमने? बहुत ज्यादा। अली तुम्हारी फ्लाइट तो 1 घंटे के बाद आनी थी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? बस मामा देख लें आपके प्यार की वजह से, या शायद हार की वजह से। क्या? बाबा की तो आदत है मजाक करने की। आप बताएं आप कैसी हैं? बहुत मिस किया मैंने आपको। अब तुम झूठ भी बोलने लगे, मिस किया? मिस किया होता तो 1-2 चक्कर ना लगा लेते, पूरे 2 साल के बाद आए हो। मामा मैं तो आपका इंतजार कर रहा था वहाँ पे। मुझे तो उन कमबख्त मारों ने वीजा ही नहीं दिया। तुमने भी तो इंग्लिश की टांगें तोड़ दी थी, सारी इंफॉर्मेशन गलत दी, वीजा तो रिजेक्ट होना ही था। अच्छा खैर मारो गोली वीजे को। अली तुम्हारा सफर कैसा रहा? वेरी नाइस बाबा, बहुत अच्छा सफर था। तुम एयरपोर्ट से टैक्सी पे आए हो? नहीं मामा, वो मेरा दोस्त जफर, वो मुझे वहाँ पे मिल गया था, उसी ने ड्रॉप कर दिया, वरना मैं तो आप ही लोगों को फोन करने वाला था। कहाँ है वो नालायक जफर, जब से तुम गए हो सिर्फ 1 दफा आया है, अच्छी तरह खबर लूंगी, मिल तो जाए जरा। मामा वो असल में ना मेरे साथ एक फ्रेंड भी। फ्रेंड
कहाँ है फ्रेंड? वो जफर उसे अपने गेस्ट हाउस में। अली तुम भी कमाल करते हो भाई, मेहमान तुम्हारा और जफर के गेस्ट हाउस में वो क्यों है? क्या सोचेगा वो बेचारा? मामा वो कुछ नहीं सोचेगा, वो बुरा नहीं मनाते ऐसी चीजों का। अमेरिकन है। अमेरिकन? अमेरिकन जी। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि तुमने बिल्कुल गलत सोचा। वो अमेरिकन है, हम थोड़ी है भाई। हमारे कोई ट्रेडिशन है, कोई रस्म और रिवाज है, कोई कोई कल्चर है। हम मेहमानों को अपने घर में ठहराते हैं। आखिर वो गेस्ट रूम किस लिए हमारा? मामा वो असल में ना। ओहो, आप भी तो कुछ बोले, साइलेंट मूवी ना बने। भाई जब इतना इंसिस्ट कर रही है तो शिफ्ट करा लो अपने गेस्ट रूम में। और क्या भाई, जरा इंग्लिश विंग्लिश हो जाएगी। अगले हफ्ते मेरी कमेटी पार्टी भी है, सारी फ्रेंड्स से मिलाऊंगी, बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा। मैं खाने की तैयारी भी कर लूं और खुद भी तैयार हो जाऊं, इंग्लिश फूड इंग्लिश स्टाइल। और हाँ सुनो, वो मैं सोचूं कि महा को भी फोन करके बुला लूं, ठीक है? Assalamualaikum. Waalaikum assalam and welcome to Pakistan. Thank you. I'm Jane Dawson from the USA. I'm Matt. Mahmood Ahmed Durrani. Oh, nice to meet you, Mr. Matt. I mean, Mr. Durrani. Very nice meeting you too. हाथ छोड़ भी दें, इनकी तो आदत है हर चीज में हाथ डालने की। अली, ये कौन है और तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है? मामा ये मेरी दोस्त है जेन, and Jane, this is mom. Nice to meet you, Sarah. ये लड़की दोस्त? जरा मेरी बात तो सुनो। Excuse me. Please. जी मामा। मेरे सर की कसम खाकर बताओ, तुमने इससे शादी नहीं की? शादी? ये तुम्हारी बीवी नहीं है? नहीं मामा। मेरी बहू नहीं है? No. मैं इसकी सास नहीं हूँ? No way. मैं ख्वाब देख रही हूँ। अम्मी क्या हो गया है आपको? वो सिर्फ मेरी दोस्त है, पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई है। पानी। नजीर पानी लेके आओ। आप प्लीज रिलैक्स कीजिए मामा, प्लीज पानी। ये क्या क्या कर रही हो तुम? चैन क्या सोचेगी? बंद करो ये ड्रामा। ड्रामा? इस वक्त ड्रामा? शायद रिपीट चल रहा हो। मेरा तो दिल को कुछ हो रहा। दिल तो पागल है, दिल दीवान। मुझे लगता है मेरा ख्वाब सच्चा हो गया। कौन सा ख्वाब? बड़ा डरावना ख्वाब देखा मैंने। मैंने देखा महमूद एक फॉरेनर के साथ डांस कर रहे हैं। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है, ये तो बड़ा रोमांटिक ख्वाब है। मैं तो रोजाना ऐसे ख्वाब देखता हूँ। अच्छा ये बताओ, इस ख्वाब वाली फॉरेनर ने कोई नंबर वगैरह तो नहीं दिया था? जी मुझे बड़ी मिस कॉलें आ रही हैं। मामा चले सब ठीक है, आइए प्लीज। अब ऐसी वहम कर रही हूँ। So Jane, what would you like to have? Tea or black? Water. She means black coffee. Oh, coffee would be fine. Okay, Sarah, please Jane के लिए कॉफी ले आई। खाना लग रहा है। She says she's just bringing it. So Jane, how was your flight? Oh, it was good. Good food, good service, but... But what? As the aircraft landed, people started jumping out from their seats. And the plane was still moving. And this scared me that I don't know what happened. I'm scared. Now, let's see what happens. Otherwise, it was a very comfortable flight. You gave her a ticket when she was so happy. Mama, please, you've been behind her. पीछे तो तुम्हारे ये पड़ी है जो यहाँ तक आ गई। इससे आगे जाने के लिए इसे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। Murder she wrote. Oh, are you guys discussing TV shows? हाँ हाँ, पहले पाकिस्तानी ड्रामे, फिर इंडियन, फिर टर्किश, और अब ये अमेरिकन ड्रामा। Well, what she means is that she keeps her busy with dramas and other activities. You see, Jane, mom. Oh. I must say, your mom is so pretty and stylish and beautiful and so young. I thought she's your sister. अब तो आपको यकीन आ गया? Foreign media ने भी कह दिया। Foreign media का क्या है? हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। Just like a Hollywood star. Oh my God.
میرے خیال سے میں کافی لے آتی ہوں. Hello everyone. ارے ماہا ہیلو. کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ہیلو علی. ہیلو آنٹی. بہت بہت مبارک ہو بھائی ایم بی اے کرنے کا. سیم ٹو یو. اوہ تھینک یو. جین دس از ماہا آنٹی مائی مامز فرینڈ. بیسٹ فرینڈ. بیسٹ اینڈ دی اونلی فرینڈ. آئی ہیو 500 فرینڈز آن فیس بک. ایم آئی اوور ناؤ فارینر کو دیکھ کے؟ ہائے. ہائے. آئی ایم جین ایلیز فرینڈ. اونلی فرینڈ. کچھ اور نہ سمجھنا. تم تو کہہ رہی تھی علی کا فرینڈ ہے. اچھا تو اسی لیے اتنی تیار ہو کر آئی ہو. بیچاری سارا تم نہیں کبھی سدھرو گی. میرے ساتھ تو بڑی سازش ہوئی ہے. سازش؟ فور گاڈ سیک سارا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین ڈنر از ریڈی. گڈ مارننگ میڈم. او گڈ ایوننگ. کھانا تیار ہے. تم مارے گولی کافی کو. چلے کھانا کھائے. کم 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 آل. تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ علی دو سال کے بعد آئے اور تم خوش نہیں؟ گوری کو جو ساتھ لائے. گوری گوری دیٹ از اردو ورڈ فار فورنر ویمن رائٹ؟ رائٹ. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. جین ٹرائی سم کبابس. شور تھینک یو. کباب میں ہڈی. پتہ نہیں علی کو کہاں ملتے. ویسے ہے بڑی پیاری. I hope they're not very spicy for you. Oh no, I can handle it. Actually, Ali and I used to dine out frequently at Indian and Pakistani restaurants. Can I have some water, please? Sure. مفت کا کھانا کسے پسند نہیں. پیسے ہم علی کو بھیجتے تھے اور ایش میڈم کر رہی تھی. سارا بس بھی کرو. کیسے بس کروں؟ دیکھا ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا. The food is very tasty. Well, Nazir cooked it. Excellent food, Nazir. Thank you, Madam America. Lo, Nazir, tumhara green card to pakka. So, you're here to make a documentary on Pakistan? Yes, I find Pakistan very fascinating. Rich culture, lovely people. Yeah. Actually, I want to present the positive image of Pakistan. Good. I have a media production company. I'll help you out. Oh yeah, Ali told me about it. Puri taiyari se aayi hai. Badi cheese hai. Oh, you want cheese? Urdu word cheese. Oh, okay. I also know some words of Urdu. Shukriya, jao. Ha ha, jaldi jao. Tang mat karo. Great. Sara will teach you more. Kyun begum? Ha ha, why not? Dhamaka. خدا کے لیے. خدا کے لیے بڑی اچھی فلم ہے. میں نے دو مرتبہ دیکھی ہے. یہ بیگم صاحبہ روٹی. What does this word begum mean? Begum means wife. Why? کیوں؟ Any doubt? No, but this guy Nasir also call you begum. کتنی بدتمیزی اور آپ لوگ ہنس رہے. Let me explain. See, Dad calls a begum and Nazir calls a begum sahiba. So there's a difference, you see. Begum is wife and begum sahiba is madam. Okay. So Jane, when are you going? In a while, I guess. No, no, I mean back to America. Bhai, kya ulti seedhi baatein kar rahi ho? Abhi to aayi hai. Well, after I finish my documentary. 2-3 months. Oh, and before I forget, thank you for the offer. Offer? Kaun si offer? Guest house se guest room mein shift hone ka. Maine to ye koi offer nahi di. Ab mere samne tumne offer kiye, kaisi baatein kar rahi ho? Aur agar nahi kiye hai to ab kar lo. Tum meri friend ho ya iski? Jane, you'll be much more comfortable here. Well, I think I should soon move to your place. Sooner the better. So much to cover. I can't wait till I start shooting my documentary. Ye to mamla hi ulta ho raha hai. Maha, tum hi meri kuch madad karo. Juice pe juice piye chali ja rahi ho. Abhi mujhe beech mein mat lekar aao. Jo karna khud karo. Main ja rahi hu ghar. Mama, hum log bhi zara Jane ka samaan le aaye. Let's go, Jane. Oh, okay, Sarah. See you in a while. Bye. Tagin 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 tag
सर्कस में जाने की तैयारी है क्या? भाई टाई बांध रहा हूँ, कैसी लग रही है? ठीक है, नई खरीदी है क्या? और वो जो अलमारी में भरी पड़ी है? खरीदी नहीं है भाई। तो चुराई है क्या? नहीं, किसी ने गिफ्ट में दी है। अली ने दी होगी। जेन ने दी है। जेन ने? ओ आई सी। हाँ शामी आई सी। और क्या क्या लाई आपके लिए? कुछ चॉकलेट्स थी, खाओगी? जहर लगती है मुझे चॉकलेट्स। कल तो तुम खा रही थी बड़े शौक से। वो पाकिस्तानी थी, अमरीकन नहीं थी। पहले मेरे बेटे को फंसाया, अब मेरे शौहर पर टोरी डाल रही है, गिफ्ट दिए जा रही है। अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो रानी साहब, मैंने फैसला कर लिया। क्या, चॉकलेट खाने का? नहीं, असेंबली डिसॉल्व करने का। क्या मतलब है भाई? अब इस घर में या मैं रहूंगी या जेन रहेगी। तुम कहाँ जाओगी? मैं इस वक्त कॉमेडी या सिटकॉम के मूड में नहीं हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं अभी जाके जेन से दो टोक बात करती हूँ। भाई तुम अभी तक नहीं गई? तैयारी कर रही हूँ टॉक शो की। टॉक शो में आज तक आपने देखा है कोई मेकअप के बगैर आया हो? ड्रामे से ज्यादा तैयार होते हैं। फिर जरा रेटिंग चेक करना। Just a minute. Oh, hi. Hi, hi, तो तू अब करी। जेन, रेटिंग तो अभी से काफी हाई है। Anyhow, जेन, I want to have a talk with you. Talk? Yes, hard talk. Are you ready? Well, yeah. Oh, can you excuse me for a minute? Just 60 seconds only. Before I forget, I have a gift for you. No, I don't want. A branded bag for you, for someone special. My God, original branded bag? लाख डेढ़ लाख का तो होगा। Oh, Sarah, you didn't like it. No, thank you very much. I like it. It's very nice. I have something else. मैं तो दो नंबर नकली बैग्स पर शो मारा करती थी, अब तो सूफी और हुमा की शक्लें देखने वाली होंगी। And a pair of shoes. I hope the size fits. Yes, fits. It's very nice. Thanking you in anticipation. So, you were saying something about a hard talk? Oh no hard talk. Just peace talks. Aman ki Asha. You want tea or coffee? Oh no, I'm really tired, thank you. Okay Jane, good night. Put AC on 26. Bijli itni mehengi hai, pata nahi kitna bill aayega. कुछ नहीं, दरवाजा ही नहीं खोला। या तो सो रही थी या डर गई होगी, मगर मैं छोड़ूंगी नहीं, सुबह बात करूंगी। मुझे तो वहां से बड़ी आवाजें आ रही थी। आवाजें? वो टर्किश ड्रामा चल रहा था, अब सो भी जाए ना। अच्छा। अभी कौन? जी नजीर साहब। आ जाओ। ये क्या है? ये बेगम साहब के सैंडल। सैंडल? ये गौरी मैडम ने दिए हैं, ये बेगम साहब उनके कमरे में भूल गई थी। बेगम मुबारक हो, यू एस एड।
Welcome to Pakistan. Dun 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 d